बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप कॉप का किरदार निभाते हो तो उसमें बहुत रुतबा होता है। तो ज़िंदगी में पहली बार मैं एक कॉप का रोल प्ले कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा है उसे प्ले करने में। और मेरे ख्याल से एक ट्रांसफॉर्मेशन है कैरेक्टर में, जब किसी कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसे करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी रिएक्शंस के लिए रुकें। या मैं तो इनके साथ अपना पहला शो कर चुका हूँ, सो मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ दैट क्या कहते हैं, मेरा फर्स्ट कोस्टार शबीर था और आज मैं जो भी हूँ, मेरा जो नेचर है वो सब कुछ शबीर की वजह से, बिकॉज आप हमेशा अपने सीनियर्स को, मतलब अभी तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए, हाँ, लेकिन उस टाइम पे जब मैं आया था मुझे याद है कि शबीर आलूवालिया थे और मैं तो नया नया आया था, तो आप हमेशा आपके कोस्टार्स को देख कर उनसे सीखते हैं, तो मैं इन्हें देखता था मस्त एकदम चिल्ड आउट वे में आते थे, सबके साथ इंटरेक्ट करते थे, मस्ती करते थे, तो वही मेरे अंदर आया, बिकॉज यू ऑलवेज, आपका सीनियर अगर एटीट्यूड देता है तो आप भी जिंदगी भर यही सीखते हो कि आप दूसरों को एटीट्यूड देने में जाते हैं, और जो भी है मेरे अंदर थोड़ा भी जो एक अच्छाई है वो इनके वजह से ही है, बिकॉज ही हैज टॉट मी अलॉट इन माई फर्स्ट शो, एंड आई एम वेटिंग कि कब इनके साथ फिर से काम करने का मौका मिले। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप कंटिन्यू करिए इनके साथ। वो जैसे कि मैंने कहा था कि वो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पहले वो एक बहुत ईमानदार कॉप है, लेकिन उसके बाद कुछ होता है उसके साथ और फिर वो सोचता है कि क्योंकि मुझे सब पैतरे पता है तो मैं अब फिक्सिंग की दुनिया में जाऊँगा। एक फिक्सिंग जो एक कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिखाया, एक्सप्लोर नहीं किया हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स ने। तो हमने कोशिश की है कि इसे एंटरटेन बनाने की, और एंटरटेनिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा थ्रिल भी है इसमें। पता नहीं कितना यमी है खाना होता है, अगर लोगों को पसंद आता है तो मतलब उनका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सब साथ में मिलके लंच खाते थे, सब लोग कुछ कुछ लाते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था लंच करने में साथ में। एंड शूट मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब उसका खाना अच्छा हो। तो पूरी दिन मेहनत करने के बाद जब आपको आपका एक अच्छा लंच मिलता है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और। प्लीज़ वॉच फिक्सर, इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, मतलब ये ट्राई टू पुश द एनवेलोप, आई होप यू गाइस लाइक इट, थैंक यू।